अयोध्या में आज सनातनियों का वो सपना पूरा हो गया जिस सपने को पिछले 550 वर्ष से हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग देखते आ रहे थे। अयोध्या में आज प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम संपन्न हो गया जिसके चलते अयोध्या नगरी सहित पूरे हिंदुस्तान को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। पीएम मोदी ने न सिर्फ प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए बल्कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन भी किया। 550 वर्षों से अधिक का इंतजार खत्म होने के बाद भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई। रामलला राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो गए जहां उनकी आरती की गई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। पीएम मोदी ने साष्टांग प्रणाम के बाद परिक्रमा भी की। इसके बाद मंदिर का भ्रमण किया गया। राम मंदिर के शिलान्यास की नींव रखने वाले कामेश्वर चौपाल से पीएम ने मंदिर के भीतर मुलाकात की और पीठ भी थपथपाई गई। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में पीएम नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख भागवत और सीएम योगी यजमान बने। इससे पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर में प्रवेश किया तो चांदी का छत्र लेकर राम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे थे। पीएम मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में साधुओं से आशीर्वाद भी लिया जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पीएम मोदी को अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की। अयोध्या से जनमत न्यूज के लिए आजम खान की रिपोर्ट।